तहरीरी किसान बदलते भारत की शान। बात करेंगे मधुमक्खी पालन की। मधुमक्खी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें लागत बहुत कम है लेकिन मुनाफा कई गुना है। इसके अलावा हमारे बेरोजगार युवाओं को भी मधुमक्खी पालन से रोजगार मिल रहा है, यानी इससे स्वरोजगार भी पैदा हो रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ ये भी जानकारी आपको दे दें कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात कार्यक्रम में मधुमक्खी पालन के बारे में जिक्र कर चुके हैं। साथ ही शहद के अलावा और कौन कौन से उत्पाद इससे बनते हैं इसके बारे में भी उन्होंने बातचीत की। जानकारी दे दें आपको कि हमारे युवा इससे जुड़कर अच्छा लाभ कमा सकते हैं, साथ ही कृषि में भी इससे कई तरह के फायदे हैं। आज के कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि कैसे कई युवा मधुमक्खी पालन से लाभ ले रहे हैं, मिलवाएंगे ऐसे ही युवाओं से जिन्होंने मधुमक्खी पालन को अपनाया और अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत किया। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि विशेष में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। आज के कृषि विशेष में बात करेंगे फायदे की मधुमक्खी की। कहीं मत जाएगा, देखते रहे कृषि विशेष। शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। मधुमक्खी पालन खेती से जुड़ा ही एक व्यवसाय है, यानी मधुमक्खी पालन के लिए आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि खेती किसानी के साथ साथ भी आप मधुमक्खी पालन कर सकते हैं। हालांकि मधुमक्खी पालन करने के लिए कुछ खास बातों का पता होना जरूरी है, जैसे मधुमक्खी पालन कब और कहां करना अच्छा रहता है और इसका तरीका क्या है। जिन इलाकों में फूलों, सब्जियों और फलों की खेती हो, ऐसी जगह पर मधुमक्खी पालन करना ज्यादा फायदेमंद रहता है। मधुमक्खी पालन करने वाली जगहों में साफ पानी और ताजी हवा होना जरूरी है, लेकिन नमी नहीं होनी चाहिए। बता दें कि मधुमक्खी पालन के लिए जनवरी से मार्च तक और नवंबर से फरवरी तक का समय सही रहता है। बेरोजगार युवकों के लिए तो मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन स्वरोजगार का एक बेहतरीन जरिया है। आज देश के युवा इसे स्वरोजगार के रूप में अपना रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के रहने वाले युवा किसान जगदीश त्यागी ने मधुमक्खी पालन व्यवसाय को अपनाया और आज जगदीश आसपास के दूसरे बेरोजगार युवकों के लिए एक प्रेरणा स्रोत का काम कर रहे हैं। कृषि विशेष के लिए हम लोग मुरैना जिले के एक गाँव में पहुंचे हुए हैं। यहां पर हमारे साथ जगदीश त्यागी जी हैं जो शहद का उत्पादन करते हैं। काफ़ी युवा हैं और ये वैसे तो एक खास बात ये है कि नौकरी की तलाश भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना रोजगार चुना। आइए जानते हैं कि शहद का उत्पादन उन्होंने कब शुरू किया और क्यों शुरू किया। रोजगार तो कुछ करना ही था सर, तो इसके लिए मैंने सोचा ये बी कीपिंग ही सही रहेगा, अपना खुद का धंधा बिजनेस हो जाएगा और कहीं दूसरी जगह अपन को जॉब की तलाश नहीं रहेगी। तो मेरा काम इसीलिए मैंने बी कीपिंग ही चुना और धीरे धीरे काम मेरा बढ़ता गया और काम अच्छा लगा तो और भी मैंने काम बढ़ाया। अच्छा। धीरे धीरे 10 बॉक्स से मेरे अब 3,000 बॉक्स हो गए और उसके बाद मेरे अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। मैंने एक फर्म भी रजिस्ट्रेट कराई है और उसका अच्छा खासा टर्नओवर है, लगभग 2 करोड़ अबव पर ईयर का है। आज मुरैना के जगदीश खुद तो एक कुशल शहद उद्यमी हैं ही, लेकिन उनके स्वरोजगार से आसपास के करीब 50 बेरोजगार युवकों को भी रोजगार मिला हुआ है। जगदीश को उनके इस काम में मदद की मुरैना के कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञों ने। जी हाँ, शुरुआत में कृषि विज्ञान केंद्र मुरैना के विशेषज्ञों ने जगदीश को 10 बी बॉक्स दिलाने में मदद की और अपनी कड़ी मेहनत और लगन के दम पर आज जगदीश अपने व्यवसाय को इतना आगे ले गए हैं कि उनके पास करीब 3,000 बी बॉक्स हो चुके हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि जो हमारा चंबल जो क्षेत्र है, कभी ये क्षेत्र जो है डाकुओं के रूप में जाना जाता था और कई प्रकार की जो सामाजिक समस्याएं हमारे क्षेत्र में देखने को मिलती हैं, लेकिन वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो ये जो हमारा क्षेत्र है ये आज जो है मधु क्रांति के रूप में जाना जा रहा है, शहद उत्पादन के रूप में जाना जा रहा है। हमारे क्षेत्र में आज हजारों की तादाद में ऐसे हमारे ग्रामीण नवयुवक जो भाई हैं जो मधुमक्खी पालन से जुड़े हुए हैं
और एक अच्छा उससे रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, लाखों रुपए की जो है इससे इनकम प्राप्त कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई युवा अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करना चाहता है तो उसे न सिर्फ सरकार की योजनाओं का फायदा मिलता है बल्कि संबंधित विभाग के अधिकारी भी हर संभव मदद करते हैं। आज काम से जुड़ी जानकारी को लेकर लोन आदि तक की हर बात की जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। सन 2013-14 में हमारे चंबल क्षेत्र में जो मधुमक्खी कॉलोनियों की जो संख्या थी वो लगभग 65,000 के आसपास थी और आज वर्तमान में 1,00,000 से अधिक मधुमक्खी कॉलोनी हमारे पास हमारे क्षेत्र में है। और जो 2013-14 में जो हमारे मधुमक्खी पालन करने वाले जो गांव थे वो लगभग 37 गांव में हमारे यहाँ मधुमक्खी पालन होता था और आज जो है इनकी संख्या बढ़कर 122 से ऊपर हो गई है। तो आप देख सकते हैं कि कितने लोगों ने इस चीज़ को अपनाया है और शहद का जो उत्पादन है उस उत्पादन में भी बहुत वृद्धि हुई है। आज हमारे क्षेत्र में लगभग 35,000 कुंटल शहद का सालाना उत्पादन हो रहा है और इससे जो है लगभग 50 करोड़ से अधिक की जो सालाना आय हमारे क्षेत्र को जो है केवल मधुमक्खी पालन से हो रही है। इसके अलावा अगर हम जो है रोजगार सृजन की हम बात करें तो हमारे इस व्यवसाय से प्रतिवर्ष लगभग 3,65,000 मानव दिवस जो है रोजगार सृजन हमारा हो रहा है। तो ये जो व्यवसाय है एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवसाय है। इस दिशा में सरकार के प्रयास भी काफी सराहनीय है। मधुमक्खी पालन के महत्व को समझते हुए सरकार ने एकीकृत कृषि प्रणाली के तहत 3 साल 2020-21 से 2022-23 के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन शुरू किया था। इस मिशन की घोषणा आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत की गई थी। इस मिशन का उद्देश्य मीठी क्रांति के लक्ष्य को हासिल करने के लिए देश में वैज्ञानिक आधार पर मधुमक्खी पालन का व्यापक संवर्धन और विकास करना था। इसमें कई प्रकार की जो हमारी योजनाएं हैं जो इसको सपोर्ट करती हैं, जैसे हमारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है, इसके माध्यम से नाबार्ड के माध्यम से आप इसमें इसका लाभ ले सकते हो। हमारा नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन है, उसमें भी पॉलिनेशन सपोर्ट के नाम से उसमें भी जो है इसका प्रोविजन आया हुआ है। तो कई चीज़ें हैं जो इसमें जो है आपको मदद कर सकती हैं, इसमें आपको सब्सिडी का भी प्रावधान है। कृषि विज्ञान केंद्र मुरैना से मदद पाकर आज जगदीश खुद को एक सफल मधुमक्खी पालक और शहद उत्पादक बना चुके हैं। आज जगदीश देश के अन्य युवाओं को भी मधुमक्खी पालन व्यवसाय को अपनाने और इसे स्वरोजगार के रूप में देखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जगदीश अपने खेत पर करीब 3,000 बी बॉक्सों के साथ कई तरह के शहद का सफल तरीके से उत्पादन कर रहे हैं। जगदीश का मानना है कि मधुमक्खी पालन के कई और फायदे भी हैं, जैसे इससे फसल उत्पादन में बढ़ोतरी होती है, साथ ही इससे होने वाले पॉलिनेशन से कृषि उत्पादन में 20% की बढ़ोतरी भी होती है। इतना ही नहीं, मधुमक्खी पालन व्यवसाय में शहद के साथ साथ रॉयल जेली और बी वैक्स का उत्पादन भी होता है, यानी एक व्यवसाय से आप कई तरह के उत्पाद ले सकते हैं जिनसे आपको अतिरिक्त आमदनी भी मिल जाती है। मधुमक्खी की जो प्रजाति है जिसको हम उपयोग में मुख्य रूप से हम लेके आते हैं, उसमें हमारी जो एपिस मेलिफेरा जो प्रजाति है उसका हम जो है यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं और ये जो प्रजाति है हमारे क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम करती है और इससे सालाना जो एवरेज है हमारा लगभग 50 से 60 किलो का प्रति कॉलोनी के हिसाब से हमें शहद का उत्पादन इससे हमें मिलता है। तो अगर हम इसको देखें तो मधुमक्खी पालन से न केवल हमें जो है शहद मिलता है, शहद के अलावा दूसरी जो चीज़ें हैं वो भी हमें इससे प्राप्त करते हैं। जैसे मधुमक्खी से मिलने वाला जो दूसरा उत्पाद है वो है मोम और इस मोम की बहुत बड़ी जो है आपकी डिमांड है कॉस्मेटिक में जो है आपकी, इसमें जो हमारे खासकर जो सौंदर्य प्रसाधन है उनमें इसका बहुत बड़ा उपयोग होता है। इसके अलावा जो हमारी मोमबत्ती बनाने में, हमारी सूज पॉलिश में और दूसरी चीज़ों में इसका बहुत बड़ा उपयोग है मधुमक्खी पालन से। इसके अलावा जो है हमें जैसे प्रोपोलिस मिलता है जिसको मधुमक्खी गोंद बोलते हैं, इसका जो उपयोग है ये हमारा जो एक औषधि महत्व का एक उत्पाद है और इससे कई प्रकार की जो है औषधियों में इसका उपयोग हो रहा है। जैसे स्किन डिसीज है हमारी, जो घाव हो जाते हैं उनको घाव के भरने में और भी चीज़ों में इसका उपयोग होता है। आज मुरैना के एक छोटे से गांव में रहने वाले जगदीश न सिर्फ खुद इस व्यवसाय में लगे हैं बल्कि उन्होंने अपने पूरे परिवार को भी मधुमक्खी पालन व्यवसाय और शहद उत्पादन में लगा लिया है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अगर आपके अंदर कुछ कर दिखाने की ललक है और आप खुद का स्टार्टअप करना चाहते हैं तो मौकों और काम की कोई कमी नहीं है। आप न सिर्फ सरकार की योजनाओं का लाभ ले सकते हैं बल्कि संबंधित विभाग के अधिकारी भी आप तक हर जरूरी सूचना पहुंचाने का काम करते हैं जिनकी मदद से आप
मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन के क्षेत्र में स्वरोजगार का अपना सपना पूरा कर सकते हैं। तो देखा आपने कि मुनाफे की मधुमक्खी से हमारे किसानों और हमारे युवाओं को कितना लाभ हो रहा है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, ब्रेक के बाद भी कृषि विशेष जारी रहेगा। हे जगत के रचनाकार प्रभु ब्रह्मा, आपने मेरे लिए अति सुंदर नगरी का निर्माण किया है। मैं शिव महाकाल के रूप में इस नगरी अवंतिका में प्रकट होता हूँ। मुझे अवंतिका जानती, युक्ति और चातुर्य के बल पर मेरा भांजा दुर्योधन अवंतिका राज्य में शासन करेगा। आप हमारे प्रिय भ्राता अग्रज हैं, किंतु कदाचित आप ये भूल जाते हैं कि अवंतिका के राजा आप नहीं हम हैं। गांधार नरेश अग्नि, अवंतिका में आपका स्वागत है। अवंतिका सोमवार से गुरुवार रात 9 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 11 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि विशेष। आज हम बात कर रहे हैं मधुमक्खी पालन की, यानी मुनाफे की मधुमक्खी की। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कुछ और विशेष बातें आप तक पहुंचाते हैं। किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी ले लेना बेहतर रहता है। दरअसल मधुमक्खी पालन व्यवसाय के लिए एपिस मेलिफेरा मक्खियां ही अधिक शहद उत्पादन करने वाली होती हैं, जो कि स्वभाव से शांत होती हैं। इन्हें डिब्बों में आसानी से पाला जा सकता है। इस प्रजाति की रानी मक्खी में अंडे देने की क्षमता भी ज्यादा होती है। प्राकृतिक रूप से मधुमक्खियां पेड़ों, दीवार के कोनों, पुराने खंडहरों और ऊंची इमारतों में अपना छत्ता बनाती हैं। लेकिन कृत्रिम रूप से इन्हें पालने के लिए लकड़ी के मौन गृहों का इस्तेमाल किया जाता है। मौन गृह लकड़ी का एक खास तरह का बक्सा होता है। ये मधुमक्खी पालन में सबसे महत्वपूर्ण उपकरण होता है। मौन गृह का सबसे निचला भाग तलपट कहलाता है। तलपट के ठीक ऊपर वाला भाग शिशुखंड कहलाता है। शिशुखंड में अंडा, लार्वा, प्यूपा पाया जाता है और मौन वंश के तीनों सदस्य श्रमिक, रानी व नर इसमें रहते हैं। मौन गृह के 10 भाग में 10 फ्रेम होते हैं। श्रमिक मधुमक्खी शहद का भंडारण इन्हीं कक्ष में करती हैं। बता दें कि आप चाहें तो इस काम की शुरुआत से पहले ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। जब शुरुआत कर रहे हैं तो उसके लिए जो मधुमक्खी की जो कॉलोनियां हैं वो कहाँ से जो है वो लें, तो उसके लिए जो है जैसे जो जो आपकी विश्वविद्यालय हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं या रजिस्टर्ड जो संस्थाएं हैं वो जो काम कर रही हैं, वहाँ से हम जो मधुमक्खी की कॉलोनी वहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा आपके जब हम शुरुआत करते हैं तो आसपास की जो क्षेत्र है उस क्षेत्र का हमें विशेष रूप से जो है हमें साइट सिलेक्शन करना चाहिए और वहाँ पर जाकर ये देखना चाहिए कुछ एरिया में कितने क्षेत्रफल में जो है आपकी जो फ्लोरा उपलब्ध है। अगर फ्लोरा की उपलब्धता आपके कम से कम 3 से 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं है तो वहाँ पर आप जो है सही मात्रा में शहद का उत्पादन नहीं कर पाएंगे, अच्छा मधुमक्खी पालन आपका नहीं हो पाएगा। तो हमें जो है फ्लोरा की उपलब्धता वहाँ पर होना चाहिए। आज जगदीश न सिर्फ सफल तरीके से शहद उत्पादन कर रहे हैं बल्कि मध्य प्रदेश से बाहर अपने शहद का निर्यात भी करते हैं। खासकर राजस्थान और हरियाणा में जगदीश अपना शहद भेजते हैं। इसके साथ ही शहद की अच्छे से पैकिंग करके उसे आसपास के इलाकों में भी बेचते हैं। तो जगदीश जी, एक बात निकल के आती है, तो शहद का उत्पादन आपने कर लिया लेकिन इसका मार्केट कहाँ पर करते हैं, कहाँ इसको सेल करते हैं? मार्केट में सर इंडिया में बहुत सारे एक्सपोर्टर हैं, तो ज़्यादातर अपन एक्सपोर्टरों को एक राजस्थान में भी हैं, कुछ हरियाणा के अंदर भी हैं, कुछ पंजाब में भी हैं। तो मस्टर्ड हनी जो क्रीम हनी निकलता है उसको तो हम एक्सपोर्टरों को देते हैं, बाकी जो लिक्विड माल रहता है उसको हम खुद अपना मार्केट में पैक करके सेल करते हैं। सिर्फ 10 बी बॉक्स से मधुमक्खी पालन व्यवसाय की शुरुआत करने वाले जगदीश आज अपने शहद के कारोबार को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। उनका मानना है कि नौकरी करना अच्छी बात है लेकिन स्वरोजगार करना उससे भी बेहतर साबित होता है। इसी सोच के साथ उन्होंने कई साल पहले मधुमक्खी पालन व्यवसाय की शुरुआत के बारे में सोचा। इस व्यवसाय के बारे में सभी तरह की जानकारियां जुटाई और पहुंच गए कृषि विज्ञान केंद्र मुरैना।
जहां से उनके सपनों को बल मिला और केवीके से मदद लेकर शहद उत्पादन का अपना स्टार्टअप शुरू किया। आज जगदीश अपने खेतों में मधुमक्खी पालन से लेकर शहद निकालने और उसकी पैकिंग तक का सारा काम खुद ही करते हैं। साथ ही इस काम में उनकी मदद करते हैं आसपास के वो बेरोजगार युवक जिनको जगदीश ने अपने यहाँ रोजगार दिया है। मुरैना के जगदीश की कहानी सुनकर तो यही समझ में आता है कि अगर आप भी अपना कोई लघु उद्योग शुरू करना चाहते हैं तो अब सिर्फ एक सपना मात्र नहीं बल्कि सरकार और संबंधित विभागों की मदद और खुद की कड़ी मेहनत के दम पर आप अपने सपने को सच भी कर सकते हैं, खुद को किसान से एक सफल उद्यमी बना सकते हैं। सफल मधुमक्खी पालक वही माना जाता है जिसको जो है अपनी जो कॉलोनी है उनको बढ़ाना आता है। तो कॉलोनी बढ़ाने के लिए हमें जो है क्वीन रेयरिंग, हमें रानी मधुमक्खी तैयार करना बहुत ज़रूरी है। और जिस मधुमक्खी पालक को रानी मधुमक्खी तैयार करना आता है वो बहुत अच्छे से जो है अपना जो है अपनी कॉलोनियों में वृद्धि कर सकता है, साथ ही साथ जो है एक व्यवसायिक जो मधुमक्खी पालन है उसको कर सकता है। क्योंकि व्यवसायिक मधुमक्खी पालन में ये बताया जाता है कि जो रानी जो हमारी मधुमक्खी है उसकी जो उम्र है वो आपका 1.5 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर 1.5 साल से ज़्यादा उम्र अगर उसकी होती है तो वो उसमें धीरे धीरे जो है जो एग लेने की जो क्षमता है, अंडे देने की क्षमता है, वो कम होती जाती है। तो हमें व्यवसायिक मधुमक्खी पालन के लिए हमें जो है क्वीन रेयरिंग यानी रानी तैयार करना भी आना चाहिए। तो जब हमारी रानी हमें तैयार करना अगर आता है तो हम पहले से ही एडवांस में रानी तैयार करके रख लेते हैं। और जिन हमारी जो कॉलोनी है जिनमें हमारा जो है अगर कोई रानी वृद्ध हो गई है या उसकी जो है अंडे देने की क्षमता कम हो गई है या किसी कारण व दुर्घटना से अगर वो नष्ट हो गई है तो उसको समय से हम जो है चेंज कर सकते हैं जिससे कि हमारी जो कॉलोनी है वो प्रभावित नहीं हो, उसकी जो वृद्धि है वो प्रभावित नहीं हो। आज मुरैना मधु क्रांति के रूप में पहचाना जा रहा है और ये संभव हुआ है मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन व्यवसाय से। जी हाँ, मुरैना के युवा अब मधुमक्खी पालन व्यवसाय को स्वरोजगार के रूप में अपना रहे हैं। अच्छी बात ये है कि इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं होती बल्कि कम पैसों में ही इस काम की शुरुआत की जा सकती है। हालांकि कम लागत के बावजूद मधुमक्खी और शहद उत्पादन से मुनाफा काफी अच्छा खासा हो जाता है। मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में वर्तमान में क्या परिदृश्य है जानते हैं खुद केवीके मुरैना के मधुमक्खी पालन विशेषज्ञ से। मधुमक्खी जो है एक ऐसा जो है जीव है जो हमसे कुछ नहीं लेता है, प्रकृति में जो चीज़ें उपलब्ध हैं उससे जो है वो फूल पर जाती है मधुमक्खी और फूल से जो है नेक्ट कलेक्ट करती है और उससे हमें शहद तैयार करती है। तो ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी का भी ये एक आह्वान है कि हमारे किसान भाइयों की जो आय है में वृद्धि होना चाहिए, आय डबल होना चाहिए। तो आय को दोगुना करने के लिए मधुमक्खी पालन एक बहुत ही अच्छा जो है एक उत्तम साधन है। इसको हम जो है खेती के साथ भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसमें दोनों प्रकार के हमारे जो किसान भाई हैं जिनके पास जो है खेती है वो भी इस कार्य को कर सकते हैं और जिनके पास जो है खेती नहीं है, जो भूमिहीन है, वो लोग भी इस कार्य को कर सकते हैं। कोई क्षेत्र वहाँ के युवाओं की मेहनत और सरकार की सहायता से किस तरह अपना परिदृश्य बदल सकता है, मध्य प्रदेश के मुरैना जिले ने इसकी मिसाल पेश की है। मुरैना के नवयुवकों ने मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन व्यवसाय को स्वरोजगार के रूप में अपनाया है और अपने इलाके की छवि को एकदम बदल कर रख दिया है। आज यहाँ के करीब 122 गांवों में मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन का काम किया जा रहा है। इस क्षेत्र में करीब 35,000 क्विंटल सालाना शहद का उत्पादन किया जा रहा है जिससे करीब 50 करोड़ रुपए की सालाना आय हो रही है। यानी इस काम से किसानों और युवाओं को रोजगार तो मिल ही रहा है, साथ ही किसानों की आय भी दोगुनी हो रही है। हमारे किसान और युवा सशक्त हो सरकार की यही मंशा है और इस दिशा में निरंतर प्रयास भी किए जा रहे हैं। हमारे युवा मधुमक्खी पालन कर अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत कर रहे हैं, कामयाबी हासिल कर रहे हैं। सरकार की प्राथमिकता का केंद्र कृषि, हर दिन नई इबारत, आत्मनिर्भर नया भारत। आधुनिक तकनीक और विज्ञान का मेल, किसानों की मेहनत है ये नहीं है कोई आसान खेल। बीज से बाजार तक, अन्नदाता से खरीदार तक, खेती किसानी से जुड़ा हर मंथन,
जानने के लिए देखिए कृषि दर्शन। देखिए कृषि दर्शन सोमवार बुधवार शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। किसानों और युवाओं को सशक्त करना हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में रहा है और इस दिशा में विभिन्न तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। चाहे बात मधुमक्खी पालन की हो या फिर किसी और व्यवसाय की, सरकार के प्रयासों की वजह से हमारे युवाओं किसानों के सपने साकार हो रहे हैं और इसके लिए विभिन्न विभागों के माध्यम से उन्हें मदद दी जा रही है। बाकायदा ट्रेनिंग प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में और विस्तार से। शहद, मोम और जेली जैसे उत्पाद तो हमें मधुमक्खी पालन से मिलते ही हैं, लेकिन मधुमक्खियां पॉलिनेशन के जरिए कृषि उत्पाद को बढ़ाने में मदद करती हैं, जिसका असर फसल की गुणवत्ता पर भी पड़ता है। मधुमक्खी पालन की मिठास सिर्फ शहद तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इससे कई ऐसे उत्पाद भी हमें मिलते हैं जो औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं और जिनका उपयोग दवाओं से लेकर सौंदर्य प्रसाधन का सामान बनाने तक में किया जाता है। इतने सारे कायदों को देखते हुए आज मुरैना के नवयुवक और किसान खेती के साथ साथ मधुमक्खी पालन व्यवसाय में अपना हाथ आजमा कर अपनी तकदीर बदल रहे हैं। आज जगदीश अपने खेतों में मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन कर रहे हैं और इससे खूब अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब जगदीश गांव में किसी के पास जाते थे तो लोग अपने खेतों में बी बॉक्स लगवाने से मना कर देते थे और बोलते थे कि मधुमक्खी सारे फूलों को खा जाएगी। लेकिन धीरे धीरे जगदीश ने उन्हें समझाया कि मधुमक्खी तो किसानों की दोस्त है और फसल उत्पादन में मदद करती है। तो आज वही लोग अपने खेतों में जगदीश से न सिर्फ बी बॉक्स लगवा रहे हैं बल्कि जगदीश को इसका किराया भी देते हैं। किसी भी काम के शुरुआती दौर में कुछ समस्याएं तो आती ही हैं, लेकिन सही समय पर और सही जगह से अगर उनका समाधान मिल जाए तो समस्याओं से आसानी से निकला जा सकता है। ऐसा ही हुआ जगदीश के साथ। कृषि विज्ञान केंद्र मुरैना के मधुमक्खी पालन विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक सिंह यादव ने जगदीश को हर कदम पर उचित सलाह और जानकारी मुहैया कराई, जिससे जगदीश की राह पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गई। युवा अगर सशक्त होंगे तो देश सशक्त बनेगा, लेकिन सशक्त बनने के लिए किसी रोजगार की जरूरत होती है और इसी सोच के साथ मुरैना के जगदीश ने अपने आप को मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन व्यवसाय के लिए तैयार किया। आज इस व्यवसाय से जगदीश की अच्छी खासी कमाई हो रही है। किसी भी काम को करने पर किसान के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है अपने उत्पाद के लिए बाजार ढूंढने की। शुरुआत में जगदीश के सामने भी अपने उत्पाद को बेचने की समस्या आई थी, लेकिन अपनी मेहनत, सूझबूझ और संबंधित विभाग के मार्गदर्शन से जगदीश ने इस परेशानी को भी दूर कर दिया। आपके दिमाग में ये बात भी आई होगी कि शहद का उत्पादन तो किसी एक जगह पर कर लिया, लेकिन मधुमक्खी जैसे इतने छोटे जीव और साथ ही मिलने वाले उत्पाद को एक जगह से दूसरी जगह पर लाने ले जाने का काम किस तरह से किया जाता होगा और इस काम में किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा, इस बारे में जानते हैं खुद जगदीश जी से। बताइए कि इसकी आपने विधिवत ट्रेनिंग ली है या आपको वैसे ही ये सब काम करना आ गया था? नहीं नहीं, शुरुआत में तो ट्रेनिंग ली थी केवी के मुरैना से। उसके बाद में जैसे जैसे काम करते गए अनुभव होता गया, फिर कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत में तो बहुत सारी मार्केटिंग का बहुत लोग दिक्कत भी आती थी, समस्या आती थी। किसान लोग कहते थे कि फूल को चूस जाएगी, तो उससे बहुत दिक्कत आ रही थी। बाग धीरे धीरे मक्खी लगती गई जगह जगह, फिर कोई दिक्कत नहीं आने लगी। ऐसा मुझे बताया गया है कि भाई मक्खी लेके आप जाते थे तो लोग आपको भगाते थे। जी जी हाँ, ऐसा ही एक बार हुआ था शिवपुरी में। अजवाइन की फसल पे हमने मधुमक्खी लगाई थी, तो वहाँ पे कम से कम ये मान के चलो सभी जगह के हरियाणा, पंजाब, यूपी और बिहार का बीकीपर ने बॉक्स लगाया था। तो उससे किसान लोग बाग जहाँ पे अपने रहने वाले किसान परेशान कर रहे थे कि साहब ये मधुमक्खी अजवाइन की फसल को चूस जाएगी, तो उसके बाद में उनको धीरे धीरे समझाया भाई ऐसा कुछ नहीं है। और केवीके वालों ने शिवपुरी वालों से संपर्क किया तो उन्होंने भी उनको गाइड किया था कि नहीं इससे कोई दिक्कत नहीं है और इससे पॉलिनेशन होता है फसल में, 15-20% तक वृद्धि होती है, अब कोई दिक्कत नहीं है। जब मधुमक्खी पालक भाई जो है एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेशन करते थे तो किसानों को ये भ्रांति थी कि जो है जब यहाँ कॉलोनी रखी जाएंगी तो वो फसल पे मधुमक्खी जाएगी और फसल से जो है उसका रस चूसेगी और हमारी जो फसल है वो उसकी जो है वो कमज़ोर हो जाएगी। लेकिन अब धीरे धीरे जो है हमारे
जो किसान भाई हैं वो भी जागरूक हो रहे हैं। तो ये था हमारा आज का कृषि विशेष, जिसमें हमने बात की मुनाफे की मधुमक्खी के बारे में। जाना आपने कि कैसे मुरैना में हमारे किसान, हमारे युवा मधुमक्खी पालन व्यवसाय को अपना रहे हैं और अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत कर रहे हैं, अपने क्षेत्र का विकास कर रहे हैं, कामयाबी हासिल कर रहे हैं। आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें, ddkrishiwishesh@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता नोट कर लें, कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतजार रहता है। आपके सुझाव कृषि विशेष को और बेहतर करने में हमें मदद करते हैं। कृषि विशेष के नए अंक में एक नए विषय के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। कच्ची नहीं, नई हूँ पर कच्ची नहीं। मानो या ना मानो तुम, कुछ बड़ा करने की है बारी यही। भविष्य देश का लिखने की तैयारी यही। बचपन से अब तक मेरी माटी ने दुलारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। आज चल पड़े हैं हम सबके कदम बदलने, भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम। आज चल सब कुछ है तुम्हारा, आज मुझको है मेरे देश में पुकारा। जो सोचे और ठाने तो करके दिखा दे, ऐसे है मेरे देश के फौलादी इरादे। आज चल पड़े हैं हम सब के कदम बदलने, भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम। हो, 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 बनेगा देश महान। सब अपने यहाँ पे कोई बेगाना नहीं, हम तो यहाँ पे सब देश के दीवाने, तो हमसे कोई ठगराना नहीं। आवाज यही, अधिकार यही, आजादी का पुरस्कार यही, लोकतंत्र का पहले संस्कार यही, संस्कार यही। अपनी आई की खाओ कसम, करेंगे अपना पहला वोट देश के लिए हम। ये जीवन फर्स्ट टाइम जी सर। सब कुछ है तुम्हारा, आज मुझको है मेरे देश में पुकार।